शिदान फर्स्ट वेलकम ऑन आर चैनल फीफा फोर्स। पहले तो स्टार्ट करते आपके खतों के खिलाड़ी की जर्नी से, जानना चाहूँगी कैसी रही आपकी जर्नी। बहुत अमेजिंग रही, काफ़ी कुछ नया किया, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें करी जो सोचा नहीं था कि लाइफ में करूँगा। मसलन कि सांप के साथ स्टंट करना, या फिर हाइट के साथ स्टंट करना, या फिर चॉपर अभी तक सिर्फ मूवीज़ में देखा था या फिर ऐसे दूर से उड़ता हुआ देखा था, लेकिन पहली बार मैं खुद चॉपर के नीचे था, तो वो सब करके बड़ा मज़ा आया। बहुत नई नई चीज़ें करी, अंडर वाटर शूट किया हमने इसके लिए, तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला। अब अगर मैं सोचूं कि वापस करने का मौका मिले तो मुझे एटलीस्ट पता तो है कि करना कैसे है। नाउ आई हैव द एक्सपीरियंस एंड अब मैं ऑफिशियली हमारे घर का खतरों का खिलाड़ी हो गया हूँ, तो या इट्स अ प्राउड मोमेंट, प्राउड फीलिंग। काफ़ी कुछ चीज़ें आपने ट्राई करी, जानना चाहूँगी इन सारी चीज़ों में से कौन सी एक चीज़ थी जो भारी पड़ी। भारी अल्लाह के शुक्र से कुछ ऐसी मुझ पर पड़ी नहीं। इनफैक्ट मैं अभी कुछ दिन पहले वही बता रहा था कि माशाल्लाह आई थिंक मेरी माँ की दुआएं काम आई कि हर स्टंट में मैं सिंगल पीस में बाहर आया, क्योंकि जो हमारा पहला स्टंट भी हुआ था जिसमें हमारे जो रोहित भाई थे, रोहित रॉय, उनको बड़ी भयानक चोट आई थी और उस स्टंट में काफ़ियों को बहुत बुरी बुरी चोट आई थी और आई वॉज द ओनली वन जो बिना किसी चोट के या बिना किसी दर्द के एकदम सिंगल पीस में खड़ा था, तो आई थिंक कि मुझ पर भारी तो नहीं पड़ी कोई चीज़। बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। इनफैक्ट मैं तो अपनी बताऊँगा, मैं तो काफ़ी नर्वस था उनसे मिलने से पहले, बट देन ही एक पॉइंट के बाद, क्योंकि उनके लिए भी हम सब नए लोग थे, तो एक दो एपिसोड्स के बाद वो भी बहुत एकदम चिल हो गए, देन बड़े फ्रैंक हो गए वो, फिर उनके साथ हमने फ़ोटो खिंचाई थी एक बार, तो बहुत ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी हम्बल, कीप्स थोड़ा अपने अंदर ही रहते हैं वो, हंसी मजाक जब करना होता है तो बहुत अच्छे से करते हैं, स्टंट के टाइम पे एकदम फोकस रहते हैं वो ताकि हमारा फोकस ना हिल जाए, कभी हम किसी स्टंट में अटक जाते हैं तो हेल्प भी करते थे, तो ये सब उनके अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं क्योंकि जो हमें इतना दे देती हैं कि हम उस स्टंट को पूरा कर पाएँ उस वक्त में, क्योंकि हम तो डरे सहमे होते थे उस टाइम पे, तो एक इंसान तो चाहिए जो हमें कॉन्फिडेंस दिखाए कि नहीं निकलेगा, कर लेगा, चल चल, तो वो हमें पूरा का पूरा जो था वो कॉन्फिडेंस रोहित सर देते थे। मैं अगर फ्रेंड्स की बात करूँ तो कौन सा बेस्ट बॉडी बना है आपका? बेस्ट बॉडी वाला टर्म बड़ा बचकांड है मेरी नज़र में, लेकिन मैं जो पुराने कुछ लोगों को जानता था पहले से, अंजुम जैसे हैं उनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो वो एक वो दोस्त हैं हमेशा के लिए, एक अंजलि से मेरी बड़ी ख़ास बातचीत हुई, तो अंजलि बड़ी मेरी करीब हैं, तो ये दो चार हैं जिनको मैं बोलूँगा कि हाँ इनसे मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। वो बेस्ट बडीज़ का बड़ा स्कूल वाला वो होता है कि बच्चे एक दूसरे को देते हैं फ्रेंडशिप बैंड वाले दिन, तो वैसा तो अभी वो मैच्योरिटी में नहीं होता है, बट हाँ इनसे काफ़ी अच्छी मेरी बातचीत है। दो स्टंट अभी जो मैं देखे मैंने वो लगे, एक तो मेरा अर्चना के साथ जो हुआ था जहाँ पे अर्चना वॉज ऑन माई शोल्डर्स, दैट वॉज वेरी गुड, एंड जो मेरा पहला जो मैं जीता था विद रोहित भाई कार वाला स्टंट जो था मेरा, दीज टू वर माई फेवरेट, कि मुझे मज़ा आया था करने में, यार मज़ा आ गया करके, और भी कुछ आगे आने वाले हैं तो उनमें से, लेकिन ये तो ऐसे थे कि मैं अब सोचूंगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि वापस मैं कर पाऊंगा या नहीं, वो तब हो गया, तो आई थिंक ये मेरे सबसे अच्छे स्टंट मुझे लगे अब तक के। जब आप शूट कर रहे थे तब फलक बिग बॉस के घर में थी, अब जब सब साथ में, अब क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं फैमिली की तरफ से जब आप लोग साथ में बैठ के टीवी पे देखते हैं? फलक आप ही को मैंने आती उनके मेरे स्टंट्स दिखाए थे क्योंकि उनके स्टंट तो हम देख ही रहे थे, तो उन्होंने अभी मैं जब हम घर में बैठ के एपिसोड देखते हैं तो हम, मैं तो खास करके घर वालों के मेरा एक्सप्रेशन ही देख रहा होता हूँ कि वो कैसा उनको लग रहा है, और वही है खतरों के खिलाड़ी जैसा शो, ऑडियंस हमेशा ऐसे रहती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो वो लोग भी ऐसे रहते हैं, तो लेकिन जब उनको लगता है कि उनको दिखता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, सो या दी फील रियली प्राउड, तालियां वालियां बजाते थे कभी तो अच्छा लगता है सुन के, चलो अच्छा है। फलक का गेम आपने थोड़ा बहुत देखा, एंड कैसा लगा गेम? बहुत अच्छा खेला उन्होंने, इनफैक्ट बिग बॉस जैसा शो या तो आप अपनी पर्सनालिटी के साथ खेल सकते हो, आप अपने गेम प्लान के साथ खेल सकते हो, तो फलक आपी ने वो पूरा अपनी पर्सनालिटी के साथ खेला, किसी भी गिवन पॉइंट पे वो फेक नहीं बनी, जैसी वो हैं, जैसी घर के बाहर हैं वैसी घर के अंदर थी, बार बार बोला जा रहा था कि दिक्कत नहीं आ रही है, दिक्कत नहीं आ रही है, उनके शो से निकलने के बाद आज तक भी उन्हीं का नाम शो में सुनाई देता है, तो भाई इससे ज़्यादा इंसान क्या ही दिखेगा। ये मैंने कहा ना कि हर शो एक अपनी जर्नी साथ में लिख के लाता है, अब जैसे मैं भी गया था खतरों में तो एक कुछ लोगों को मैं पहले से जानता था, कुछ से मैं अब जानता हूँ जिनको मैं आगे भी जानना चाहूँगा अपनी लाइफ में, सिमिलरली फॉर हर इट वॉज़ वेरी उनकी खुद की जर्नी थी वो, जो मुझे लगा उन्होंने बखूबी निभाई,
जैड से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, विनाश से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, जिया से भी उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, इनफैक्ट फॉर ऑल दैट मैटर पूजा मैम से वो काफ़ी क्लोज हैं। तो ये आई थिंक ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है जहाँ पे मुझे लगता है कि उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि लाइफ ही आपको एक्सपीरियंस देती है और एक्टर की लाइफ में जो सेट पे रिश्ते बनते हैं वही अगर उनमें से कहा कुछ अच्छा हुआ तो आगे तक जाता है। तो आई थिंक उनको अपना ये लाइफ का ये वाला पहलू भी एक्सप्लोर करना चाहिए। नॉट एग्जैक्टली मैं उतना तो नहीं देख पाता क्योंकि माशाल्लाह मुझे भी कुछ काम धंधे करने होते हैं तो, लेकिन अभी उस लेवल पे जैसे फलक आबी के टाइम पे शिद्दत से देखते थे अभी वैसे तो डेफिनेटली नहीं है, बट क्लिपिंग्स में देखने को मिलता रहता है इंस्टाग्राम पे या जियो के सिनेमा ऐप पे, तो वहाँ से मुझे खबरें सुनने को मिलती रहती हैं कि आज ये हुआ, आज हाईलाइट में ये हुआ, अच्छा आज ऐसा हुआ, आज ये आया घर में, तो सब पता चलता रहता है। सपोर्टिंग की बात करें, फाइनल वीक चल रहा है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं एक्चुअली सपोर्ट की बात जहाँ तक है ना, मेरी नज़र में दो लोगों को डिज़र्व करते हैं सीज़न को जीतना, अब जो लोग घर के अंदर हैं उनमें से एक तो उनमें से एल्विश है। एल्विश यूँ रहेगा क्योंकि दैट गाय हैज़ वन क्वालिटी कि अगर उसने गलत किया है तो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ आई अग्री टू दिस एंड आई एक्सेप्ट दिस, तो उसमें एक्सेप्टेंस है। पूजा मैम दूसरी वुड बी बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी स्पेशली फॉर अ होम लाइक बिग बॉस, और उन्होंने भी आई एम श्योर अपनी लाइफ के हिसाब से कुछ तो नया यहाँ भी देखा होगा, एंड शी हैज़ बीन आउट एंड आउट आउट स्पोकन अबाउट आर हर पॉइंट ऑफ व्यूज, तो आई वुड वॉन्ट ईदर ऑफ दोज टू विन द शो। खतरों के खिलाड़ी की मैं अगर आपकी जर्नी की बात करूँ, एक न्यू एक्सपीरियंस था आपके लिए, आपने थ्रू आउट कितना एंजॉय किया? मैंने बहुत इन्जॉय किया, इनफैक्ट ये हुआ था कि जब मैं गया था मैंने तब वहाँ पर इतना इन्जॉय नहीं किया था बिकॉज आई वॉज खुद से मैं थोड़ा प्रेशर में था कि अच्छे से करना है, डर थोड़ा था अंदर, एक नर्वसनेस थी, फिर एक पॉइंट के बाद मुझे खुद को रियलाइज़ हुआ मैं अगर तूने एंजॉय नहीं किया तो आई थिंक ये सब वेस्ट हो जाएगा क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आना, साउथ अफ्रीका तो वापस कभी आना ही नहीं, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ खतरों के खिलाड़ी, तो उस वक्त को इन्जॉय करना बड़ा ज़रूरी था। तो फिर मैंने इन्जॉय करना शुरू किया, फिर आई थिंक मेरी परफॉर्मेंसेज भी थोड़ी बेटर हुई, मैं थोड़ा अपने आप को खोल पाया, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मी टू डू दैट। कहीं ना कहीं बिग बॉस के लिए आपका भी नाम सामने आता बट आपके बदले फलक नाम ने एंट्री की, तो ना चाहूँगी बिग बॉस 17 के कुछ प्लान्स हैं? मेरे तो ऐसे कोई अभी तक प्लान्स हैं नहीं, ना मुझे भी किसी ने ऐसा अप्रोच किया है, तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ नाम आया है, पर यह है कि फिलहाल तो ऐसा कोई मेरी तरफ से तो नहीं है। वुड यू लाइक टू डू? आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में सोचना पड़ेगा इसके बारे में बिकॉज अल्टीमेटली मैं अपना फील्ड ज़्यादा मिस करता हूँ, आई मिस माई एक्टिंग, तो अगर गिवन द चॉइस हुआ, अब खतरों के खिलाड़ी हुआ क्योंकि आई थिंक वो राइट टाइम था करने का एंड आई नीडेड अ कमबैक, तो इट वाज अ परफेक्ट थिंग जो मेरे नसीब में उस वक्त में मेरे साथ हो गई, लेकिन अब इफ़ गिवन द चॉइस मैं वापस एक्टिंग में जाना चाहूँगा। जैसे आपने कहा अबाउट योर एक्टिंग, कहीं ना कहीं आपके किरदार को काफ़ी प्यार मिला था और मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, क्या कहना उस बात के लिए? ये बाखुदा ये बड़ी कैसे बोलूँ मैं, बड़ी बहुत अच्छी फीलिंग है ये कि किसी किरदार को जब हो गया वक्त उसके बाद भी उस किरदार को दूसरा एक्टर ने प्ले किया, उसके बावजूद लोग आज भी उस किरदार को याद कर रहे हैं आज, तो आई थिंक कुछ तो मैंने ठीक किया होगा, कुछ तो ठीक कर लिया होगा मैंने कि जो आज भी प्यार मिल रहा है मुझे, तो या बहुत बहुत अच्छा लगता है ये वाली फीलिंग होना कि एज एन एक्टर आई थिंक मैं कामयाब रहा कि मैंने अपनी ऑडियंस को किसी किरदार के थ्रू जीता। फ्यूचर प्लान्स मेरे फॉर राइट नाउ यही हैं कि बहुत जल्दी कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना है जिसमें मेरी ऑडियंस वापस से मुझे देखे, उनको भी एक्साइटमेंट हो, उनको भी देख के कुछ मज़ा, और मुझे एज एन एक्टर एज एन आर्टिस्ट भी कुछ चैलेंजिंग करने को मिले जिसमें मैं खुद अपने आप का एक ग्राफ चेक कर पाऊँ कि मैं और क्या कर सकता हूँ। सो या फिलहाल तो प्लान्स यही हैं। कोई चीज़ जो आपने रियलाइज़ की या कुछ सीखा इन दैट डे? बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ, इनफैक्ट एक ही चीज़ सीखी कि लाइफ में कुछ हो जाए हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो, किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू इतना बड़ा नहीं होता कि वो आपको एज ए ह्यूमन तोड़ दे, तो भी वेरी स्ट्रांग, अपने 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 आप पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होता है, जब कोई भी आप पे भरोसा ना करे खुद पे भरोसा करो। फैंस के लिए मैसेज ये रहेगा कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव आपने आज तक भी जितना दिया, अली के रूप में दिया या फिर अलग किसी किरदार में दिया या फिर जो शिजान को ही आपने दिया वो भी कुछ कम नहीं है। ये मेरा वादा है आपसे कि बहुत जल्द वापसी होगी, अभी आप मेरे खतरों के स्टंट्स इन्जॉय कीजिए, तब
तब तक हम कुछ और आपके लिए ले आएंगे, लेकिन ये सिलसिला हम जारी रखेंगे ताकि आप भी उस चीज़ को इन्जॉय में लें और मैं भी अपने आर्टिस्ट को जगा के रख सकूँ कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ हमेशा करता रहे। थैंक यू। फीफा फूज। ओके, हाय, दिस इज़ शिजान खान एंड यू वॉचिंग फीफा फूज टीवी। थैंक यू। वेलकम।